चूरू जिले के रतनगढ़ में 17 सितंबर को आयोजित होने वाली अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत को लेकर कमेटी के सदस्य गांव-गांव डाणी और शहर के वार्डों में समाज के लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। कमेटी के सदस्य एकजुट होकर एकता का परिचय देने के लिए समाज को एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन किया जाना सुनिश्चित किया है, जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियां एवं सामाजिक उत्थान पर चर्चा की जाएगी। महापंचायत के प्रचार प्रसार के लिए अध्यक्ष गुलालचंद सांसी, अध्यक्ष अनिल कुमार जामा, पूर्व पार्षद लालचंद पवार, जेपी भाटी, लालचंद छाबड़ी, संदीप कुमार धानिया, सेवानिवृत्त सीआईपी ताराम जोया बुधवाली, मोहनलाल मंडार, सुरेश कुमार तंवर, लालचंद छाबड़ी, सुरेश गारू, विनोद कुमार पीपलवा, रोहित कुमार पवार, दिलीप कुमार आदि सहित समाज के प्रबुद्धजनों से वार्ता कर महापंचायत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। गांव डाणी और शहर में महापंचायत की कमेटी का सम्मान किया जा रहा है तथा समाज के सभी महानुभावों ने महापंचायत की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दे रहे हैं तथा हजारों की संख्या में पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों से निवेदन है कि समय अभाव के कारण हम कई गाँव का दौरा नहीं कर पाए, लेकिन आप महापंचायत में जरूर शामिल हो। आगामी 17 सितम्बर को महापंचायत होने जा रही है और महापंचायत के सभी सदस्य गांव-गांव डाणी डाणी घूमकर प्रचार कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी गांव में समय के अभाव में नहीं पहुंच पाए तो मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि आप लोग 17 सितंबर को मेघवाल गेस्ट हाउस में पधार कर महापंचायत को सफल बनाए। रतनगढ़ तहसील के गांव देवीपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हिंदी दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यवाहक प्रधानाचार्य गिरिवर सिंह ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रभाषा का महत्व बताते हुए नियमित हिंदी बोलने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। अध्यापक राकेश कुमार ने बताया कि हिंदी दिवस पर विद्यालय में हिंदी विषय पर प्रभारी सविता मीणा के निर्देशन में हिंदी सुलेख, निबंध और हिंदी भाषा पर विचार प्रकटीकरण की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने मनोयोग से भाग लिया। हिंदी सुलेख में प्रथम सुमन मेघवाल, द्वितीय मोहित प्रजापत, तृतीय दिव्या माली और निबंध प्रतियोगिता में प्रथम अनिशा मेघवाल, द्वितीय लाली मेघवाल और तृतीय एकता प्रजापत ने स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गिरिवर सिंह और राजेश कुमार ने पारितोषिक देकर सम्मानित किया।